देश था कश्मीर यात्रा का, जो कश्मीर किस भाव से आए थे आप? इस बार आइए अभिनव गुप्त जी का सहस्राब्दी समारोह, जो कश्मीर से हज़ार साल पहले एक फिलॉसफी निकली, खूबी निकली, इसका सम्मान करने के लिए हम आए इस बार। तो वो वहाँ कुछ विवाद भी हुआ था, वहाँ जाने नहीं दिया गया? नहीं, वहाँ जाने का मेरा तो प्रोग्राम था ही नहीं, हमारा प्रोग्राम यहीं तक ही था। लेकिन अभिनव गुप्ता केव का मामला क्यों सामने आया कि वहाँ पर जाना है, पूजा अर्चना करना है? नहीं, वो तो हमारे एजेंडा में नहीं थी। तो वहाँ जाना, यात्रा देने जाना? मैं जानता भी नहीं हूँ अभिनव गुप्त की केव कहाँ है। मैं वो अभिनव गुप्त का ये जो फिलॉसफी जो हमारे शिव सूत्र लिखा है, प्रत्यभिज्ञ हृदय, ये सब जितने भी ग्रंथ निकले हैं, इसकी बड़ी कदर हो रही है दुनिया भर में, क्यों ये इतने छोटे छोटे सूत्र है और इसमें इतनी वैज्ञानिक बातें रखी हुई है और भारत में कोई जानता नहीं इस बात को। अभिनव गुप्त के बारे में भारत में लोग जानते ही नहीं, कश्मीर से बाहर इनकी जो फिलॉसफी है, हम सब एक हैं, एक परमात्मा है, एक जीव है, हम सब एक हैं, अद्वैत की जो गूंज उठाए इन्होंने, ये भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसका समापन आखिरी जो प्रोग्राम है ये बेंगलुरु में होगा। शुरू इसको दिल्ली में हुई थी 6 महीने पहले विज्ञान भवन में, तो ये बीच में यहाँ आए हैं 6 महीने और यहाँ से फिर बेंगलुरु तक की यात्रा चलेगी। फिर जी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यहाँ काफ़ी विवादित हुआ है कश्मीरी पंडितों का वापस आना, घर आना। कुछ बोलते हैं कि उनको क्लस्टर में रखेंगे, कुछ बोलते हैं कि नहीं, जहाँ के वो था वहीं उनको स्थापित वापस किया जाए। आप क्या समझते हैं, बेहतर क्या होगा? बेहतर यही होगा जहाँ जहाँ वो लोग थे वहाँ वो लोग वापस स्थापित हुए, मगर उससे पहले एक सीढ़ी चाहिए। वो इस एकदम वहाँ जाने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी अभी, तो परिस्थिति सुधर रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक मामला है ना, जैसे देखिए इसको राजनीति से ऊपर क्या देखें, जैसे अभिनव गुप्त की है, एक कश्मीर की जैसी चिनार का पेड़ है, अखरोट है, यहाँ का केसर है, ऐसे अभिनव गुप्त का भी है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और 1000 साल पुराना ये जो यहाँ का जो फिलॉसफी है, ये दुनिया आज जहाँ इतनी दहशतगर्दी से, भय से, तनाव से त्रस्त है, उसके लिए ये मैसेज यहाँ से प्यार और मोहब्बत का जाना चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ के सारे युवाओं को कहूँगा, आप मज़हब से ऊपर उठ के देखिए, भाषा से ऊपर उठ के देखिए, पूरी मानवता को एक दृष्टि से देखो और सब लोग जीवन को एक उत्सव मनाओ। बहुत सारे कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जो वापस जो हैं क्लस्टर्स में नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि उसी गांव में रहना चाहते हैं जहां वो अच्छा है वहीं रहे वो लोग, अच्छा है, पर वो उनको वो हिम्मत और धैर्य देने के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।